देर आर टू मेजर सोर्स ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन. प्लास्टिक रैपर्स, हम इसे कितना भी अवॉइड करें पर मार्केट में ऑलमोस्ट हर चीज प्लास्टिक रैपर्स में ही आती है, फिर चाहे वो ब्रेड हो, मिल्क हो, बिस्किट हो या फिर स्नैक्स. और क्योंकि ये डेली नेसेसिटी है तो इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, बट इसको खरीदते टाइम गिल्ट भी बहुत होता है दैट वी आर जनरेटिंग वेस्ट. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इन पैकेट्स को रद्दी वाला भी नहीं लेता, और अगर इन्हें डस्टबिन में डाल दें तो ये पैकेट्स रिसाइकिल नहीं होते और इसी वजह से वेस्ट पाइलअप होता जा रहा है. प्लास्टिक बॉटल्स, वी ट्राई टू अवॉइड प्लास्टिक बॉटल्स अ लॉट बट ऑलमोस्ट सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स प्लास्टिक बॉटल्स में ही आते हैं. सो नो मैटर हाउ मच वी अवॉइड इट, वी एंड अप बाइंग इट. दिस विल श्योरली सरप्राइज यू बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंज्यूम्स 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स एवरी मिनट. एंड देर इज अ सॉल्यूशन टू बोथ द प्रॉब्लम्स, दीज इकोब्रिक्स. इकोब्रिक्स ऐसे ब्लॉक्स हैं जो घर पे बनाए जा सकते हैं और इसमें प्लास्टिक के वो रैपर्स यूज हो सकते हैं जो रिसाइकिल नहीं हो पाते. तो लेट्स सी कि ये इकोब्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं. जो भी रैपर्स को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता उसे फेंके नहीं बल्कि उसे क्लीन कर लें और फिर अच्छे से सुखा लें. अब इन प्लास्टिक रैपर्स को प्लास्टिक पेट बॉटल में इंसर्ट करते जाएं. इट इज रिकमेंडेड टू यूज सॉफ्ट प्लास्टिक टू फिल बॉटम सो दैट बेस के गैप्स अच्छे से फिल हो जाएं. फिर प्लास्टिक बॉटल में तब तक रैपर्स इंसर्ट करते जाएं जब तक प्लास्टिक बॉटल एकदम टाइट ना हो जाए. ट्राई टू फिल द बॉटल विद रैपर्स एज मच एज पॉसिबल और फिर बॉटल का कैप लगा दें एंड योर इकोब्रिक इज रेडी. Isn't that simple? Eco-bricks बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे उसी प्लास्टिक को यूज करें जो रिसाइकिल नहीं हो सकती. प्लास्टिक रैपर्स को क्लीन एंड ड्राई करके ही बॉटल में डालें. यूज ओनली प्लास्टिक टू मेक Eco-bricks. डोंट पुट एनीथिंग एल्स. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर टू यूज दीज Eco-bricks? Eco-bricks कन्वेंशनल ब्रिक की तरह कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है और Eco-bricks से दुनिया भर में ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी यूज हो रहा है. नॉट ओनली दिस, इकोब्रिक्स से फर्नीचर भी बनाया जा सकता है. सो वंस यू हैव फ्यू इकोब्रिक्स यू कैन क्रिएट अ स्मॉल स्ट्रक्चर एट योर प्लेस. और अगर आप कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हैं तो देर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जो इकोब्रिक्स एक्सेप्ट कर रही हैं. वी हैव फाउंड फ्यू जो हम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे. तो अगर आपको भी अपनी सिटी में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पता है जो इकोब्रिक्स एक्सेप्ट कर रही है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें. जस्ट थिंक कि अगर ये सारा वेस्ट कंस्ट्रक्शन में काम आ जाए तो लैंडफिल भी कम हो जाएगा और डेवलपमेंट भी नहीं रुकेगा. सो अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट मंडे.